नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेक्सोना टैबलेट के बारे में, यानी कि डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए, जैसे कि भाई सबसे पहले तो ये भूख कैसे बढ़ाती है, इसको भूख बढ़ाने के लिए क्यों उपयोग करते हैं, साथ ही इसके यूजेस क्या है जो कि डिटेल में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कितना डोज चलाया जाता है, कैसे इस दवाई को लिया जाता है, और साथ ही इस दवाई को लेते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ये सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आप अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी पे नए हैं भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट है डेक्सोना, जैसा कि हमने बताया, इसका कंपोजिशन क्या है, डेक्सामेथासोन। दोस्तों, बात करें डेक्सामेथासोन की, तो दोस्तों ये जो दवाई है ये एक स्टेरॉयड दवाई है। कहने का मतलब है ये कॉर्टिकोस्टेरॉयड क्लास की मेडिसिन होती है। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं भाई इसके यूजेस के बारे में, और वीडियो के आगे बताएंगे कि भाई इसको भूख बढ़ाने के लिए क्यों उपयोग करते हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर हम डेक्सामेथासोन टैबलेट यानी कि डेक्सोना टैबलेट के यूजेस के बारे में, तो दोस्तों इसका उपयोग एक्यूट एक्सर्बेशंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोस्तों जिस व्यक्ति के हो जाती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों डेक्सामेथासोन टैबलेट का उपयोग एलर्जीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एलर्जी कई प्रकार से हो सकती है, आपके जो है किसी खाना खाने से, या फिर किसी कीड़े के काटने से हो सकती है, या फिर मौसम का परिवर्तन होने पर भी एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार, शरीर पे इचिंग होना, रैश निकलना, ये सारे एलर्जी के ही लक्षण होते हैं। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग सेरिब्रल इडेमा को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि ब्रेन के जो है चारों तरफ क्या होता है, फ्लूड का रिटेंशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग इन्फ्लामेशन एंड शॉक, इन्फ्लामेशन दोस्तों जहां पे आपके सूजन आ जाती है, जैसे कि दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के जोड़ों से रिलेटेड बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सूजन रहती है वहां पे, तो उसको कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अदर भी इन्फ्लामेशन की अगर कोई कंडीशन है, सूजन की कोई कंडीशन है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं वहां पे। साथ ही दोस्तों जैसा कि हमने बताया शॉक, शॉक के केस में होता क्या है कि दोस्तों जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको संपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में शॉक के केस में भी इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। और दोस्तों इसका उपयोग अगर किसी के अस्थमा है, सांस ज्यादा फूलती है, तब भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी सांस कम फूलती है, उसे आराम मिलता है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग एटॉपिक एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, और अगर किसी दवाई से एलर्जी हो गई है किसी व्यक्ति को, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग कुशिंग सिंड्रोम के टेस्ट के तौर पर किया जाता है। ये दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है दोस्तों कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन आपके जो है बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लगता है, तब दोस्तों इस दवाई का उपयोग एज अ टेस्ट के रूप में डॉक्टर करते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग, हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में भी पेशेंट को दें। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसको उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों इसका उपयोग अगर हम जो है डोज के बारे में बात करें, तो अगर इन्फ्लामेशन और एलर्जी की कंडीशन है, तो उसमें 0.5 mg से लगाकर 5 mg जो है पर डे लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। वहीं पे अगर कोई शॉक या फिर सेरिब्रल इडेमा का केस है, तो 4 mg से लगाकर 20 mg पर डे इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट के, ठीक है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसमें साइड इफेक्ट भी कई सारे देखे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों जो मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट है, शरीर पे एक्ने निकलना, इनडाइजेशन होना, वेट गेन होना। अब यहां से शुरू होती है भूख बढ़ाने वाली दवाई की कहानी। वेट गेन होना,
इंक्रीज्ड एपेटाइट। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये डेक्सामेथासोन टैबलेट दी जाती है तो होता क्या है कि पेशेंट की जो है भूख बढ़ जाती है। ये एक इसका साइड इफेक्ट है डेक्सोना टैबलेट का, ठीक है, जो कि एक बेनाफिशरी के तौर पे उपयोग होती है ये टैबलेट। क्या होता है जब डेक्सोना टैबलेट दी जाती है तो पेशेंट की क्या होती है, भूख भैया बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका वेट भी बढ़ता है। इसीलिए लोग इसे भूख बढ़ाने वाली टैबलेट के रूप में जानते हैं और यूज भी करते हैं। वहीं पे दोस्तों एनोरोक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एक्ने निकलना, एजिटेशन, डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देना, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो इस दवाई को ना लें, साथ ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट कर सके। बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है या फिर पहले का भी एलर्जी रह चुकी है तो इसका इस्तेमाल ना करें। जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग होने पर आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही डेक्सोना टैबलेट का उपयोग करें। लीवर और किडनी की गंभीर बीमारी होने पर भी आप इस दवाई को अपने आप से ना लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी डेक्सामेथासोन यानी कि डेक्सोना टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।